हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू स्मिताज किचन अरोमा। मैं हूँ स्मिता और मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टी टाइम केक, और टी टाइम केक बना रहे हैं तो साथ में चाय तो बनती है, तो फिर हम साथ में बना रहे हैं मसाला चाय। वो क्या होता है ना, हर रोज़ दोपहर को चाय के साथ क्या स्नैक्स दिया जाए या फिर क्या स्नैक्स खाया जाए, ये सवाल तो ऑलवेज आता ही आता है। तो उसका ही सॉल्यूशन आज मैंने लाया है। बहुत ही इजी रेसिपी है, बच्चे भी इसे बना सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टी टाइम केक। इसे मैंने मावा फ्लेवर में बनाया है, आप फ्रूट फ्लेवर में भी बना सकते हो, और साथ में मसाला चाय। तो चलिए बनाते हैं टी टाइम केक और मसाला चाय। केक बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप वेनिला प्रीमिक्स, और आपको डालना है 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और 1/4 टीस्पून मावा एसेंस। तो यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून इसलिए लिया है क्योंकि हम फ्रूट केक बना रहे हैं, और फ्रूट केक में शुगर सिरप से सोक नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा रहने के लिए मैंने ऑयल ज़्यादा यूज़ किया है। और आपको इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है प्रीमिक्स को। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी आने तक आपको उसमें दूध डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, मिल्क आपको रूम टेम्परेचर पे ही लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ठीक है। और हम बना रहे मावा केक या फिर फ्रूट केक भी बना सकते हो आप, तो इसमें थोड़ा सा मैं एक ड्रॉप येलो कलर डाल रही हूँ, जेल कलर था मेरे पास, आप लिक्विड भी डाल सकते हो। आपको केक का लोफ बनाना है इसलिए मैंने ये केक टिन यूज़ किया है। आपको टी टाइम केक बनाना है तो केक टिन को मैंने ग्रीस कर लिया है, और बटर पेपर रख देते हैं इसमें साइज़ का कट करके, फिर से आपको ऑयल से ग्रीस कर लेना है, वही ब्रश आपको बस जस्ट घुमा देना है। अभी ये मेरे पास टूटी फ्रूटी थी, मैंने थोड़ी सी उसको डस्ट कर ली है मैदे से, क्योंकि अगर आप नहीं डस्ट करोगे तो पूरी की पूरी टूटी फ्रूटी केक में नीचे जाके बैठ जाती है, तो थोड़ा सा आपको डस्ट कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ये बैटर केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो फूडीज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और शेयर करना ना भूले फैमिली फ्रेंड्स में। अभी मैंने बच्चे थोड़े से टूटी फ्रूटी ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए है केक टिन में। आपको ये केक टिन 10 मिनट प्री हीटेड कढ़ाई में रखना है। मैंने कढ़ाई पहले ही 10 मिनट तक गर्म करके रखी थी। अभी आपको ये केक टिन उसमें रख देना है, और 30-35 मिनट्स के लिए आपको मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। जब तक आपका केक बेक होता है तब तक हम चाय बनाएंगे। तो चाय के लिए मैंने लिया है 1/2 कप पानी, उसमें 1 चम्मच चाय पाउडर डाला है, और उसमें डाला है कूटा हुआ अदरक, 2 से 3 तुलसी के पत्ते भी डाले हैं, आप चाहो तो इलायची डाल सकते हो। हाँ, आप अगर आपको सिर्फ दूध की चाय बनानी है तो आपको सिर्फ दूध में भी बना सकते हो। मुझे नहीं पसंद है पुपी और दूध की चाय, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है पहले ही। तो देखिए, दूध डालने के बाद चाय उबल गई है, चाय रेडी है, यहाँ केक भी बेक हो गया है। इसे टूथपिक डाल के भी आप चिपक कर सकते हैं, कुछ भी चिपक के नहीं है तो समझ जाइए आपका केक बेक हो चुका है। तो इसके अभी स्लाइस बना लेते हैं। वाव, कितने सुंदर, देखिए स्पॉन्जी और जालीदार केक बना है। यकीन मानिए फूडीज, इतना टेस्टी लगता है ये केक। अगर आपको फ्रूट केक बनाना है तो बस आपको फ्रूट एसेंस डालना है उसमें, कोई भी पाइनएप्पल हो या ऑरेंज हो, कोई भी फ्लेवर आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको एसेंस डालना है बस, बाकी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बिल्कुल ब्रिटानिया का जो केक होता है उसी तरह का ये केक बनता है, और कोई भी फ्लेवर में आप बना सकते हो। मुझे मावा फ्लेवर ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने मावा फ्लेवर का आपको बताया। तो एक बार चाय गर्म कर लेते हैं, ये चाय आपकी गर्म हो गई, चलो चाय भी सर्व कर देते हैं। फिलहाल बारिश का मौसम चल रहा है, और ऐसे में दोपहर में गर्मा गर्म मसाला चाय और साथ में स्नैक्स में आपको अगर केक खाने को मिल जाए तो क्या बात है। तो टेस्ट भी मस्त बनी है, जालीदार बना है, सॉफ्ट बना है, स्पॉन्जी बना है, और साथ में चाय, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। तो फूडीज, हो जाए आज टी टाइम में मावा केक और
और साथ में मसाला चाय। तो ऐसी नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ स्मिता आपसे फिर मिलेंगी, तब तक के लिए बाय।